हेलो स्टूडेंट्स, आपका बायो बुक वर्ल्ड पर वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है फंजाई, हम फंजाई को BS लेवल पर थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे। हम फंजाई की हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, हैबिटेट, थैला स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और इसकी करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। हम फंजाई के टॉपिक को 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि हम इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। कार्लस लिनेस एक साइंटिस्ट था। 1758 में इसने टू किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी। किंगडम एनिमेलिया में एनिमल्स रखे गए, जो भी स्पीशीज एनिमल से रिजेंबल्स करती थी उसे किंगडम एनिमेलिया में रखा गया, और जो भी स्पीशीज प्लांट से रिजेंबल्स करती थी उन्हें किंगडम प्लांटी में रखा गया। इसके बाद एक साइंटिस्ट आया, अर्नेस्ट हैकल। इसने थ्री किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया। थर्ड जो सिस्टम था किंगडम, वो था किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में वो रखी गई स्पीशीज जो प्लांट से तो रिजेंबल्स करते थे लेकिन वो प्लांट्स नहीं थे, वो एनिमल्स रखे गए जो एनिमेलिया प्लांट से एनिमल से तो रिजेंबल्स करते थे लेकिन एनिमल्स नहीं थे, उसको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। जैसे फिंजाई हो गया, एल्जी हो गया, यूगलिना हो गया। इसके बाद फाइव किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड कराया गया रॉबर्ट विटेकर ने। फाइव किंगडम सिस्टम में किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया थे। किंगडम फंजाई का एक अलग किंगडम बना दिया गया। इसकी कुछ रिजेम्बलेंस इसके किंगडम प्लांटी से थी और कुछ इसके डिफरेंस भी थे, और सेम इसी तरह किंगडम एनिमेलिया में से भी इसके कुछ फीचर्स थे जो रिजेंबल्स करते थे और कुछ डिफरेंस थे। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जाकर इसे डीपली हम स्टडी करेंगे। द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। माइकोलो की जो टर्म यूज होती है वो फंजाई के लिए होते हैं। जब हम फंजाई को स्टडी करते हैं तो उसके लिए हम माइकोलॉजी की वर्ड यूज करते हैं। द वर्ड माइक्स मीन्स फंगस एंड लोगोस मीन्स स्टडी। ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। द कंसर्न साइंटिस्ट इज कॉल्ड माइकोलॉजिस्ट। जो भी साइंटिस्ट माइकोलॉजी को फंजाई को स्टडी कर रहा होगा उसे हम माइकोलॉजिस्ट कहेंगे। द टर्म फंगस वॉज यूज बाई गैस्पर्ड बहुवीन। जो फंगस की टर्म फर्स्ट टाइम यूज जिसने इंट्रोड्यूस्ड कराई वो साइंटिस्ट थे गैस्पर्ड बहुवीन। इसके बाद हम फंजाई की डिस्कवरी को देखते हैं। फादर ऑफ सिस्टमेटिक माइकोलॉजी ई एम फ्राइज हैं। जो फादर ऑफ सिस्टमेटिक माइकोलॉजी के फादर हैं वो हैं ई एम फ्राइज। इसने एक बुक लिखी थी सिस्टमा माइकोलॉजिकम, जो 3 वॉल्यूम पर मुश्तमिल थी। इसके बाद जो मॉडर्न माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी के फादर हैं उनका नाम है हेनरिच एंटोन डिबेरी। याद रहे, मॉडर्न माइकोलॉजी के जो हैं फादर वो है हेनरिच एंटोन डी बैरी। उसके बाद है फादर ऑफ माइकोलॉजी के हैं पियर एंटोनियो मिखेली। ये आप तीनों एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे थोड़ा फोकस करें। सिस्टमैटिक माइकोलॉजी के जो फादर हैं वो है ई एम फ्राइज, और उसकी जो बुक थी वो थी सिस्टमा माइकोलॉजिकम। जो फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी के हैं वो है हेनरिच एंटोन डी बैरी, और फादर ऑफ माइकोलॉजी के हैं पियर एंटोनियो मिखेली। जो फादर ऑफ माइकोलॉजी थे मतलब पेयर एंटोनियो मिखेली, इसने 1729 में फंजाई के स्पोर्स को डिस्कस करके किया और उसके जर्मिनेशन को स्टडी किया। इसने एक बुक पब्लिश कराई की थी नोवा प्लांटेरम जेनरा। इस बुक में 900 स्पीशीज को डिस्क्राइब किया गया था, जिसमें से 900 स्पीशीज थी वो जस्ट फंजाई की थी। वो जस्ट 900 स्पीशीज जस्ट फंजाई की थी। इसके बाद हम फंजाई के इंट्रोडक्शन को देखते हैं। जो फंजाई का वर्ड है इसका मीनिंग आता है मशरूम्स में, ठीक है। फंजाई जो होता है ये एक क्लोरोफिलस होता है, और इसकी जो बॉडी होती है वो थैलोफाइटिक होती है। एक क्लोरोफिलस में ये फोटोसेंथिसिस नहीं करता। जब ये फोटोसेंथिसिस नहीं करेगा तो इसकी ये अपनी फूड भी प्रिपेयर नहीं कर सकेगा। जब ये अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकेगा तो ये क्या होगा, हेटरोट्रॉफ होगा। जब ये हेटरोट्रॉफ होगा तो ये दूसरे होस्ट या दूसरे ऑर्गेनिज्म पर ये डिपेंडेंट होगा।
और इसकी बॉडी होती है थैलोफाइटिक। थैलोफाइटिक है, इसमें दो टाइप की स्पीशीज रखी गई, एक एल्जी है और एक फंजाई है। ठीक है, ये याद रहे, जो थैलोफाइटिक है इसमें एल्जी और फंजाई को जस्ट रखा गया, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है उनके हम रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ड्यू टू अब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल दे आर हेटरोट्रॉफ, डिपेंड ऑन द अदर्स फॉर फूड, दे ग्रो इन वेरियस हैबिटेट्स। और हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, एनी मेंबर ऑफ किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म फंजाई दैट लैक क्लोरोफिल, थैलस बॉडी, रिप्रोड्यूस बाई स्पोर्स एंड लिव एज सेप्रोट्रॉफ्स आर पैरासाइट। जब ये हेटरोट्रॉफ होगा तो ये पैरासाइट होगा या सेप्रोट्रॉफ होगा। जो सेप्रोट्रॉफ होते हैं, सेप्रोफाइट की जो टर्म यूज होती है, जब फंजाई किसी डेड ऑर्गेनिज्म पे सर्वाइव करे, वहां से फूड ऑब्टेन करे, तो उसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो करते हैं सेप्रोट्रॉफ। और उसके बाद इसकी डेफिनेशन में रिप्रोड्यूस बाय स्पोर, ये स्पोर्स बेयरिंग होते हैं फंजाई। ठीक है, ये स्पोर्स प्रोड्यूसिंग होते हैं। अब फंजाई के हम सेल वॉल को डिस्कस करते हैं। फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो क्वाइटन और सेलुलोज की बनी होती है। हम ओवरऑल फंजाई की बात करें, मोस्टली फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो क्वाइटिन की बनी होती है, लेकिन कुछ ऐसी फंजाइज भी होती हैं जिनमें जो सेलुलोज होता है उसकी कंसंट्रेशन भी होती प्रेजेंट होती है, लेकिन कम होती है एज ए कंपैरिजन टू काइटन के। जो ओमाइसीट्स कंटेन्स अप टू 25% पार्शली क्रिस्टलाइज सेलुलोज एंड द मेजर नॉन सेलुलोज कंपाउंड ग्लूकेन होता है। 75% है वो नॉन सेलुलोज ग्लूकेन होती है। सम फंजाई आर एडिबल एंड अदर्स आर पॉइजनस होते हैं। द रिजर्व फूड मटेरियल इन फंजाई इज ग्लाइकोजिन। टूडे अबाउट 5,000 जनरा एंड द मोर देन 50,000 स्पीशीज ऑफ फंजाई आर नोन। अब तक 5,000 जनरा और 50,000 स्पीशीज फंजाई की डिस्कवर हो चुकी हैं। अब तक जो एस्टिमेटेड लगाई गई है वैल्यूज वो 5,000 जनरा और 50,000 स्पीशीज की हैं। और अब हम फंजाई के हैबिटेट को डिस्कस करते हैं। द फंजाई आर यूबीक्विटोस। यूबीक्विटोस की जो टर्म है इसका मतलब है एवरीवेयर, हर जगह, प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ। आपको फंजाई हर जगह पर नजर आएगी, आपको माउंटेन्स पर नजर आएगी, आपको फॉरेस्ट में नजर आएगी, आपको टेरेस्ट्रियल लैंड पर नजर आएगी, आपको एक्वेटिक हैबिटेट्स में नजर आएगी। मोस्ट फंजाई लिव इन अदर सोइल आर डेड ऑर्गेनिक मैटर। अब फंजाई हेटरोट्रॉफ है तो इसने किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ किसी रिलेशनशिप में आना है, तो वो जो रिलेशनशिप है वो है सिम्बियोन्स रिलेशनशिप। ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स में सिम्बियोन्स रिलेशनशिप में आता है। जब ये सोइल में होगी, जैसे माइकोराइजा रिलेशनशिप है, माइकोराइजा में तो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है जो फंजाई और प्लांट के रूट्स के दरमियान होता है। इसलिए हम कह सकते हैं जो फंजाई होती है वो सोयल में भी प्रेजेंट होती है। अब जो फंजाई होती है ये बैक्टीरिया का प्राइमरी डीकम्पोजर होता है। दो टाइप्स के डीकम्पोजर होते हैं, एक बैक्टीरिया होता है और एक फंजाई होता है, जो किसी भी फूड को या किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करता है, तो फंजाई वहां पर भी प्रेजेंट होती है। और उसके बाद जो फंजाई है ये डेड ऑर्गेनिज्म में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको रिसाइकल करती है अगेन इन्वायरमेंट में। और उसके बाद आपको जो फंजाई होगी ये 80% आपको प्लांट्स के साथ जुड़ी हुई नजर आएगी। ठीक है, वुड्स और मीडोज जो हैबिटेट्स हैं वहां पर आपको फंजाई नजर आएगी। ये था इसका हैबिटेट। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्लांट बॉडी को। इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो होती है थैलस। थैलस मीन्स जब भी हम किसी भी प्लांट में लीफ, रूट और स्टेम में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। ए प्लांट बॉडी दैट इज नॉट डिफरेंशिएट इंटू स्टेम, लीव्स, ट्रू रूट्स एंड लैक ऑफ ए वैस्कुलर सिस्टम दैट इज कॉल्ड थैलस। इट मे बी यूनिसेलुलर और फिलामेंटस। अब यूनिसेलुलर और फिलामेंटस कौन से होते हैं हम उसको भी देख लेते हैं। ये हैं यूनिसेलुलर। इन सम फंजाई द थैलस इज सिंगल सेल स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, फॉर एग्जाम्पल यीस्ट। ये आपको यीस्ट नजर आ रहा है, ये है यूनिसेलुलर। इसके बाद फिलामेंटस थैलस होता है। फिलामेंटस थैलस में मल्टी सेलुलर फंजाई होता है।
ठीक है, जब मल्टी सेलुलर फंजाई में थैलस हो गए तो इसमें एक टर्म यूज होती है, एक हाइफी की होती है, एक माइसेलियम की होती है। हम हाइफी और माइसेलियम को भी डिस्कस करते हैं। इसकी जो एग्जाम्पल है फिलामेंटस थैलस की वो है मोड्स और मशरूम्स। हाइफी को हम डिस्कस करते हैं। ए हाइफा इज ए लॉन्ग ब्रांचिंग फिलामेंटस स्ट्रक्चर ऑफ ए फंगस। हाइफा सिंगुलर सिंगुलर है जिसका प्लूरल नेम है हाइफी। ये आपको डायग्राम नजर आ रही है, देखें इसमें आपको ये हाइफी है, ये ब्रांच्ड भी है और फिलामेंटस भी है, ट्यूब्यूलर है। ठीक है, जब एक होगा तो हम कहेंगे इसे हाइफा, जब ये ज्यादा होंगे तो कहेंगे इसे हाइफी। जब नेटवर्क ऑफ हाइफी होंगे या ग्रुप ऑफ फिलामेंट ऑफ हाइफी होंगे तो हम उसके लिए जो टर्म यूज करते हैं वो हम करते हैं माइसीलियम। ठीक है, माइसीलियम की टर्म यूज करते हैं, माइसीलियम नेक्स्ट आएगा। तो हाइफी इज मेड ऑफ थिन ट्रांसपेरेंट ट्यूबुलर वॉल एंड लाइंड विद ए लेयर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की हम टर्म यूज करते हैं जब भी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों एग्जिस्ट करते हों तो उसके लिए हम प्रोटोप्लाज्म करते हैं। अब हम फंक्शंस ऑफ हाइफी को देखते हैं। जो हाइफी डिफरेंट हैबिटेट में खुद को मॉडिफाइज करके क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है, ये डिपेंड करता है हाइफी पर कि वो किस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रही है। अब फर्स्ट इसका फंक्शन है न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन फ्रॉम होस्ट। अब इसमें जो हाइफी है, याद रहे जो फंजाई का हाइफी है, हाइफी आपको एक बार फिर मैं दिखा देता हूँ, ये हाइफी है आपको। ठीक है, ये हर इन्वायरमेंट में आपको हाइफी इस तरह नजर नहीं आएगा क्योंकि इसने सर्वाइव करना होता है, वहां से इसने फूड या न्यूट्रिएंट्स को अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होता है, तो इसलिए ये मॉडिफाइज इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। तो जब इसने न्यूट्रिएंट्स को होस्ट के सेल से अब्जॉर्ब करना होगा तो उस वक्त जो न्यू हाइफी होगा वो हास्टोरिया की फॉर्म में होगा। ठीक है, हास्टोरिया की फॉर्म में होगा और ये प्लांट के सेल के अंदर पेनिट्रेट करेगा और वहां से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करेगा होस्ट के सेल से। आपको ये डायग्राम नजर आ रही होगी, देखें ये आपको हॉस्टोरियम नजर आ रही होगी। हॉस्टोरियम सिंगल सेल सिंगल के लिए यूज होती है और ये प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है हमारे पास। देखें ये हॉस्टोरियम इंटर हो रही है सेल में, प्लांट सेल में, और वहां से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, और यहाँ से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होंगे जिससे प्लांट डैमेज हो सकता है, प्लांट को डिफरेंट डिजीज हो सकते हैं। सम हाइफी आर पैरासिटिक फंजाई आर कॉल्ड स्पेशलाइज्ड फॉर न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन विद ए स्पेसिफिक होस्ट। दीज हाइफी हैव स्पेशलाइज्ड टिप्स कॉल्ड हास्टोरिया विच पेनिट्रेट द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स और टिश्यू ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। सेकंड जो है इसका फंक्शन वो है न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन फ्रॉम सोइल। अब फंजाई सोइल में भी है लेकिन वहां पर सर्वाइव करने के लिए ये कौन सा रिलेशनशिप बनाते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, माइकोराइजा। माइकोराइजा रिलेशन जो होता है इसमें फंजाई और प्लांट के जो रूट्स होते हैं उसके साथ जो रिलेशनशिप होता है वो होता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दोनों को ही बेनिफिट होता है, किसी को कोई नुकसान नहीं होता। इसमें ऑर्बिस्क्यूल्स यूज हुए हैं, ऑर्बिस्क्यूल्स। अब देख लें जो हाइफी की मॉडिफाइड फॉर्म है सोयल के अंदर तो वो किस फॉर्म है, ऑर्बिस्क्यूल्स की फॉर्म में। और इस फॉर्म में ये होता है कि ये जो प्लांट के सेल्स रूट्स होते हैं उनके सेल्स में पेनिट्रेट कर जाती है और ये सोयल से न्यूट्रिएंट्स को कलेक्ट करती है और ये प्लांट के सेल को प्रोवाइड करते हैं जिससे प्लांट्स अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। सम फंगल स्पीशीज हैव डिवेल्प्ड ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद वैस्कुलर प्लांट डिजीज स्पीशीज। द फंजाई फॉर्म स्पेशलाइज हाइफी कॉल्ड अर्बस्क्यूल्स विच कैन बी फाउंड इन रूट्स और फाइलम ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स एंड फंक्शन टू अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सोइल। देखिए आपको ये दो प्लांट नजर आ रहे हैं माइकोराइजा के, ये है विदाउट माइकोराइजा, ये है माइकोराइजा। अब देखें जो माइक्रो विदाउट माइक्रोराइजा है उसकी जो रूट्स हैं, देखें आपको स्पेसिफिक लिमिट एक एरिया में नजर आ रही होगा, इसमें कोई इसने कोई ज्यादा स्पेस सराउंड नहीं की हुई। लेकिन जो माइकोराइजा है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो फंजाई और प्लांट के रूट्स हैं तो इसमें देखें इसने काफी ज्यादा एरिया कवर कर रखा है। तो जब ज्यादा एरिया कवर होगा तो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होंगे और प्लांट्स को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे।
इसके बाद थर्ड है ट्रैपिंग स्ट्रक्चर। जो फंजाई होता है, फंजाई का जो हाइफी होता है, वो इसमें नेमाटोड अपने हाइफी को इस तरह मॉडिफाई करता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर की तरह करता है। तो उसके जो हाइफी होता है वो रिंग फॉर्म में होता है, जिससे जो नेमाटोड टाइप की जो स्पीशीज होती हैं वो इजिली ट्रैप्ड हो जाती हैं। देखें, इस डायग्राम में आपको नेमाटोड नज़र आ रहा होगा, ये आपको नेमाटोड स्पीशीज नज़र आ रही है, और ये आपको हाइफी नज़र आ रही है। देखें ये हाइफी, और ये आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यहाँ पर ये एक्सो एंजाइम होता है। देखें, एक्सो एंजाइम ये होता है कि जब हाइफी जो फंजाई होता है, ये आउटसाइड द जो भी इसका प्री होता है, ये उस पर अपने एंजाइम सेक्रेट करता है और उसको आउटसाइड द सेल ही अब्जॉर्ब करता है। फंजाई की एक ये भी क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स है कि जो फंजाई होता है ये अब्जॉर्बटिव होता है। जो एनिमल्स होते हैं वो इंजेस्टिव होते हैं। देखें, जब हम फूड को इंजेस्ट करते हैं अपने अंदर, लेकिन जो फंजाई होते हैं ये अब्जॉर्ब करते हैं, ये आउटसाइड द बॉडी ये अपने एंजाइम की हेल्प से अब्जॉर्ब करते हैं और रिक्वायरमेंट्स की जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स को वो फुलफिल करते हैं। इस डायग्राम में देखें, न्यूट्रिएंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा नेमाटोड्स हैं, और काफ़ी ज़्यादा रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो हाइफी हैं उन्होंने इसे पैरालाइज कर दिया है, और इस पर अपने एंजाइम सेक्रेट करके इसे ऐसा ऐसा डिग्रेड कर देंगे। इसके बाद है फोर्थ, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन। न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, इसमें जो फंजाई के हाइफी होते हैं वो इस फॉर्म में मॉडिफाई होते हैं कि वो प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको ट्रांसलोकेट करते हैं, उसको पहुंचाते हैं। इसमें जो हाइफी है, इसमें एक टर्म यूज हुआ है, माइसीलियल कॉर्ड्स। माइसीलियल कॉर्ड्स क्या होता है, लीनियर एग्रीगेशन ऑफ ए पैरेलल ओरिएंटेड हाइफी। द चैनल थ्रू विच न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम ए कॉलोनाइज्ड सबस्ट्रेट टू एन अदर पोटेंशियल सबस्ट्रेट। अब न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन में आप देखें, ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ठीक है। इस डायग्राम में आपको हाइफी भी नज़र आ रहे हैं। इनका जो मेन फंक्शंस होते हैं, प्लांट के एक एरिया से न्यूट्रिएंट्स लेकर जो पोटेंशियल एरिया होता है जहाँ पर रिक्वायर होता है प्लांट को, वहाँ तक ट्रांसलोकेट करते हैं। इसके बाद हम हाइफी की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। हमने हाइफी को डिस्कस किया, हाइफी की टाइप्स को डिस्कस किया, मतलब टाइप्स नहीं थी वो, डिफरेंट फॉर्म ऑफ मॉडिफाई थी हाइफी की, ठीक है। और अब टाइप्स करेंगे हाइफी की, टाइप्स को डिस्कस। सेप्टेट हाइफी, द हाइफी ऑफ मोस्ट फंजाई आर डिवाइडेड इंटू सेल्स बाई इंटरनल वॉल्स कॉल्ड सेप्टा। द सिंगुलर सेप्टम, सेप्टम मीन्स हेज और पार्टीशन। देखिए, जो हाइफी, हाइफी तो आपने देख लिया, फिलामेंटस होता है, ट्यूब्यूलर होता है और ब्रांच होता है। अगर वही हाइफी में इंटर सेल वॉल्स, क्रॉस वॉल्स हों, उसकी पार्टीशन हों, तो उसे हम सेप्टेट हाइफी कहते हैं। जिस तरह ये आपको डायग्राम में हाइफी नज़र आ रहा है, देखें इसमें पार्टीशंस हैं, आपको इंटर क्रॉस वॉल्स नज़र आ रही होंगी, ठीक है, जो हाइफी को डिवाइड कर रही होंगी, उसकी पार्टीशंस बना रही होंगी, तो हम कहेंगे ये है सेप्टेट हाइफी। इसके बाद है ए सेप्टेट हाइफी क्या होता है, द फंगल हाइफी दैट लैक सेप्टा इज कॉल्ड ए सेप्टेट। विदाउट सेप्टा के जो हाइफी होगा वो हमारे पास होगी ए सेप्टेट। अब देखें, आपको ये हाइफी नज़र आ रही है, लेकिन इसमें सेप्टा नहीं है, सेप्टा मीन्स पार्टीशन, इसमें पार्टीशन आपको कोई भी नज़र नहीं आ रही। अगर हाइफी मल्टी न्यूक्लिएट हो, काफ़ी ज़्यादा उसमें न्यूक्लियस हो, तो उसके लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो टर्म यूज़ करते हैं सीनोसाइटिक की, ठीक है। एसेप्टेट हाइफी को सीनोसाइटिक हाइफी भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है मोडिफिकेशन ऑफ हाइफी, प्लेक्टिनो काइमा, प्लेक्टिन काइमा, सॉरी, प्लेक्टिन काइमा। ए फॉल्स टिश्यू फॉर्म बाय द एग्रीगेशन ऑफ हाइफी इज नोन एज प्लेक्टिन काइमा। प्लेक्टिन काइमा, देखें आपको ये डायग्राम नजर आ रही है, ये स्यूडो पैरेन्काइमा है, ये प्रोटेन्काइमा, ये आपको फॉल्स टिश्यू नजर आ रहे हैं। अब प्लेक्टिन काइमा की टू टाइप्स हैं, एक है प्रोटेन्काइमा, एक है स्यूडो पैरेन्काइमा। जो प्रोटेन्काइमा है, इसमें जो हाइफी होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं पैरेलल एक दूसरे के, और फेल्ड लाइक स्ट्रक्चर शो करते हैं। देखें, आपको इसमें जो हाइफी है ये आपको पैरेलल नजर आ रहे हैं, और ये आपको एक फेल्ड लाइक स्ट्रक्चर शो हो रहा है। इसके बाद है स्यूडो पैरेन्काइमा। स्यूडो पैरेन्काइमा में क्या होता है, जो हाइफी होता है वो इंटर ट्विनिड होता है और वोवन होता है, और एक कम्पैक्ट मैस की फॉर्म में होता है, और इसमें ना एक टर्म यूज हुई है, फ्रुक्टिफिकेशन। फ्रुक्टिफिकेशन,
फ्रूक्टिफिकेशन फंजाई में टर्म यूज होती है, जब फंजाई का जो फ्रूट होता है वो स्पोर बेयरिंग हो, जब फंजाई का फ्रूट स्पोर बेयरिंग हो तो उसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो करते हैं फ्रूक्टिफिकेशन, और ये मोस्टली हायर फंजाइज में होता है। देखें फंजाई डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, स्मॉल फंजाई भी होते हैं, लोअर फंजाई भी होते हैं और हायर फंजाई भी होते हैं। जो सबसे स्मॉल फंजाई होता है वो है यीस्ट, ठीक है, ये आपको कॉम्पैक्ट मैस नजर आ रहा है स्यूडो पैरन काइमा का। इसके बाद हमारे पास सेकेंड आ रहा है राइजोमोर, ए थ्रेड लाइक और कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इन फंजाई मेड अप ऑफ पैरेलल हाइफी ब्रांच ट्यूबुलर फिलामेंट। ये आपको राइजोमोर्फ नजर आ रहा है, देखें आपको पैरेलल नजर आ रहा है, और इसका जो काम होता है वो न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करना होता है। इसके बाद हमारे पास है, इसकी आप एग्जाम्पल भी देख लें राइजोमोर्फ की, आर मिलेरिया मेलिया, ये देखें ये आपको इसकी एग्जाम्पल नजर आ रही होगी, ठीक है, ये पैरेलल नजर आ रहे हैं, ठीक है, और ये न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं। स्क्लेरोटियम, स्क्लेरोटियम इसमें क्या होता है, इसमें जो हाइफी होता है वो एग्रीगेशन एडिशन होता है, और ये जो फॉर्म होती है ये लॉन्ग पीरियड तक सरवाइव कर सकती है। देखें आपको इसके, आप इसकी डायग्राम को देखें, इसमें आपको ये आउटर लेयर नजर आ रही होगी, ये आपको जो आउटर लेयर नजर आ रही है ये है स्क्लेरोटियम की। इसमें क्या होता है, ये जो इनर वंस जो लेयर्स होती हैं ये उसको प्रोटेक्ट करती हैं। इसके बाद हमारे पास है माइसीलियम, द मैस ऑफ ब्रांच ट्यूबुलर फिलामेंट्स ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइसीलियम, और इसकी एक और इजी डेफिनेशन है, द बॉडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइसीलियम। जब हाइफी का ग्रुप हो, नेटवर्क हो, ट्यूबुलर है हाइफी, तो नेटवर्क ऑफ हाइफी जब हो काफ़ी ज़्यादा, तो हम उसके लिए जो टर्म यूज़ करते हैं वो माइसेलियम की करते हैं। माइसेलियम की आप इस डायग्राम में देख लें, माइसेलियम ये आपको एक मतलब मशरूम टाइप का एक दिखाई गई है फंजाई, तो इसमें आप देखें इसमें आपको इंडिविजुअल हाइफी नज़र आ रहे हैं, इंडिविजुअल हाइफा नज़र आ रहे हैं, और जब ज़्यादा होंगे तो हम हाइफी कहेंगे, जब नेटवर्क ऑफ हाइफी नजर आ रहे हैं, देखिए इन्होंने आपस में अंडर अर्थ के इसने नेटवर्क बनाया हुआ है, ये ग्रुप ऑफ हाइफी है काफी ज्यादा, तो इसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो माइसिलियम की टर्म यूज करते हैं। उसके बाद ये स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर हमारे पास, और जो इसका ये पार्ट है ये हमारे पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। अब आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि माइसिलियम क्या है और हाइफे क्या है। अब माइसिलियम भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंटरसेलुलर माइसिलियम, एक होता है इंट्रासेलुलर माइसिलियम। जो इंटरसेलुलर माइसिलियम होता है वो बिटवीन द सेल्स होता है, जो इंट्रासेलुलर होता है उसमें जो माइसिलियम होता है वो प्लांट जो सेल होता है उसके अंदर भी पेनिट्रेट कर चुका होता है। इसमें आप देख रहे हैं इस डायग्राम में ये आपको इंटरसेलुलर माइसिलियम नज़र आ रहा है, देखिए इसमें जो माइसिलियम है आपको जो भी नज़र आ रहा है आपको ये आउटसाइड द सेल नज़र आ रहा है, जो आपको इंट्रासेलुलर है इसमें आपको ये सेल के अंदर इन्होंने पेनिट्रेट किया हुआ है, ठीक है। अब जो सिनकाइट्रियम जो फंजाई है ये माइसिलियम नहीं होती इसकी, ठीक है, ये यूनिसेलुलर होता है, जो सिनकाइट्रियम होता हैव नो माइसिलियम, और सिनकाइट्रियम फंजाई जो काज वजह बनती है सिनकाइट्रियम, ये अंडर सोयल होती है, और जो पोटैटो वॉट डिजीज होती है, ठीक है, इसी की वजह से जो सोयल में फंगस प्रोड्यूस होती है, बोर्न होती है, और ये एक ओब्लिगेट पैरासाइट है, ठीक है, ओब्लिगेट पैरासाइट वो होते हैं जिन्हें अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए किसी होस्ट की जरूरत होती है, और ये विदाउट होस्ट के खुद को सर्वाइव नहीं कर सकते। और इसके अलावा एक इसके फैकल्टेटिव पैरासाइट होता है, उसमें ये होता कि जो पैरासाइट फंजाई होती है ना, मतलब उसको होस्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो डिपेंडेंट नहीं होता। आप वीडियो को शेयर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टाटा।